देखो दलिया बन गया, दलिया बन चुका है और इसमें मैं डालने लगी। पता नहीं क्या बना है, प्यार है। Assalamualaikum guys, welcome to my channel Shiza's Wonderful Life. ओह क्या देख रहे हैं आप लोग, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रही। आज मैं मैंगो चैलेंज लेने वाली हूँ 24 घंटे का। अभी मजा आएगा ना। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इसका क्या बन सकता है तो आज देखेंगे। अब मुझे नहीं पता इसका क्या बनने वाला है। तो अभी मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं ब्रेकफास्ट में हम इसके क्या बना सकते हैं। तो है वो नाश्ते में बनाने लगी हूँ जौ का दलिया। मैं हमेशा अक्सर जो है ना नाश्ते में ये जौ का दलिया खाती हूँ, तो इससे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती और पराठा नहीं बना सकती। सो मैं जौ का दलिया ही बनाऊँगी और इसके बीच में मैं काट कर डाल दूँगी मैंगो। तो अभी ये दूध गर्म हो रहा है तो इसके बीच में मैंने ना ये जौ का दलिया डाल दिया, ठीक हो गया। और अभी ये जो है मैंने मैंगोस काट कर रखे हैं और ये मैं बाद में इसके बीच में डालूंगी, तो फिर मैंगो वाला तो बन जाएगा ना। मैंगो का तो इस्तेमाल किया ना, ये नहीं आप लोग कह सकते कि सारा मैंगो मैंगो, और सारा मैंगो मैंगो थोड़ी ना होता है। तो चलिए ये इतने तक बनता है, अभी इसको टाइम लगेगा। अभी तो यार सबसे मुश्किल काम होता है आम को ऊपर से छीलना, इसका छिलका उतारना, हाथ शदीद अजीब हो जाते हैं। इसमें मैं शुगर बिल्कुल नहीं डाल रही क्योंकि अगर मैं शुगर डालूं तो मैं भूल जाऊंगी। मैं शुगर विदाउट शुगर जो है वो मैं खाती हूँ, तो मैं इसको विदाउट शुगर ही रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी जो आम है हमारा वो काफ़ी मीठा है, तो मैं इसमें शुगर नहीं डालने वाली। दलिया बन चुका है और इसमें मैं डालने लगी हूँ मैंगो मैंगो। सो गाइस फाइनली मेरा मैंगो दलिया बन गया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बीच में मैंगो का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये देख सकते हैं मैंने मैंगो डाले हैं, ये देखिए। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, मुझे लगी है काफ़ी भूख भाई। तो मैं यहाँ खाने लगी मेरा मैंगो पूरी बहुत मज़े का, अब मैं ये इंजॉय करती हूँ। और हम मिलते हैं दोपहर को और देखते हैं कि दोपहर को क्या बनाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये इंजॉय कर लूँ। बाय। अगेन हेलो गाइस, अब मैं दोपहर को पता नहीं क्या बनाने वाली हूँ, बट मैं कुछ बनाने वाली हूँ। ये मैंने मैदा लिया और मैं मैदे में डालने वाली हूँ मैंगो के पीसेस, और अभी उसका मैंने पल्प बनाना है। एक एग डालूंगी, साथ बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये मैंने नेट से इंटरनेट से रेसिपी देखी, अब पता नहीं क्या बनता है, लेकिन अभी हम पहले ना इसको कर लें, इसका पल्प जो है वो तैयार कर लें। तो गाइस ये अब हम पल्प डालेंगे, ये अब मैं पल्प डालने लगी हूँ इसके अंदर, पता नहीं क्या बनता है। लेट्स गो। बस ये मैंने इसके बीच में डाल दिया। ओह नो, ये तो बिल्कुल चिपकने वाला हो गया। लेट्स गो, ये देखे। और इसके बीच में एक एग डालना है, एग डालना है, एग डालना है। पता नहीं क्या बन रहा है गाइस, आई डोंट नो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये देखें, ये तो सही मिक्स भी नहीं हुआ। व्हाट इज क्या बन गया? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखते हैं क्या बना है। मुझे तो ये कोई अंडा लग रहा है और इसमें तो मुझे अंडे की खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें अंडा ही डाला था। गाइस देखें क्या बना है, मैंगो पराठा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस मेरा ये मैंगो पराठा तैयार है और मैं दही है,
इसके साथ खाऊंगी और इसमें मैं थोड़ा सा मैंगो डाल देती हूँ और साथ थोड़ा सा मैंगो रख देती हूँ, तो मैंगो वाली दही और मैंगो वाला पराठा। तो फाइनली मेरा मैंगो वाला पराठा और मैंगो वाली दही फाइनली तैयार हो चुकी है। अब चेक कर देखते हैं कैसी बनी है मुझे। सो गाइस टेस्ट करते हैं क्या बना है क्या नहीं बना। अब देखते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, रेसिपी देखी थी और बहुत थिक लग रहा है, तो देखते हैं। नॉर्मल बना है, ठीक नहीं बना, बहुत अजीब बना है। क्या करूँ, बनाया अब खाना पड़ेगा, चैलेंज है। दही के साथ ठीक लग रहा है, वैसे नहीं सही बन, लेकिन बन गया, चैलेंज तो अब पूरा करना है ना गाइस। तो चलिए मैं ये कंप्लीट करती हूँ। हेलो गाइस अगेन, अब रात के खाने में मैंने एक डिश देखी है इंटरनेट पे, मैंगो सालसा। सो अभी वो बनाने लगे हैं। उसकी कुछ रेसिपी ये है कि उसमें में ये टमाटर डालेंगे, उसके अलावा उसके बीच में ये प्याज डलेगा जिसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हम प्याज डाल रहे हैं, ये हमने इसमें टमाटर डाले हैं, और इसके अलावा ये ग्रीन जो चिली है ये डलेगी, इसको हम कट करके डाल लेते हैं। देखते हैं, इसी में निकाल लेते हैं, इसमें तो नहीं आएगा, किस में निकालें, इसमें निकाल लेते हैं हम इसको। उसके बाद हमने इसके बीच में डालना है ये टमाटर, इसके बीच में थोड़ा सा नमक डलेगा, इसको मैंगो सालसा कहते हैं। भला टेस्ट करते हैं इधर ही। ठीक है, मजे क्या, थोड़ा सा बस नमक कम है, तो इसको खाएंगे हम रोटी के साथ। और ये रोटी जो है तंदूर की रोटी है, हाफ बहुत है, हम ये ले लेते हैं, साथ ये मैंगो ले लेते हैं। रोटी के साथ मज़े का है, मतलब कि खाने के काबिल है, खाया जा सकता है। नहीं। इसकी रेसिपी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, मैंने इंटरनेट से इसकी ली थी, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नीचे दे भी दूंगी कमेंट्स उधर डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अब डिनर कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आज अजीबोगरीब खाने खा के ना चैलेंज काफ़ी डिफ़िकल्ट था, टेस्ट अजीब हो चुका है, तो अब मैंने सोचा आइसक्रीम खा ली जाए, लेकिन मैं चैलेंज से नहीं हटी, मैंगो आइसक्रीम है, तो अब मैं ये इंजॉय करती हूँ, थक चुकी हूँ, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चैलेंज मुकम्मल हो गया, और मोबाइल पे मूवी देखने लगी हूँ, क्योंकि मोबाइल पे मूवी देखने का अपना मज़ा है। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कंजूसी मत किया करो, और कर दिया करो, कुछ नहीं होता। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।